हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की जांच के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और जो महिलाओं में जितने भी कैंसर्स होते हैं उसका 23-24% ब्रेस्ट कैंसर है। इतना कॉमन कैंसर होने के बावजूद महिलाओं में इसका अवेयरनेस काफ़ी कम है और बहुत कम महिलाएँ अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता कि हाउ टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट सेल्फली एंड हाउ फ्रिक्वेंटली। यदि आप रेगुलरली अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं, यानी कि अपनी जांच खुद कर लेती हैं, तो आपको जो कई एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लग सकता है और ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही शुरुआती अवस्था में पता लगाया जा सकता है, जिसे आप अपने और अपने परिवार की ब्रेस्ट कैंसर से सुरक्षा कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक बड़े मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपना टी शर्ट और ब्रा निकाल दीजिए और अपने हाथ पूरे सीधे कमर के साथ लगाकर आप कांच के सामने दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन कीजिए। देखिए कि आपकी स्किन के ऊपर किसी प्रकार का कोई लाल निशान या कोई डिस्चार्ज या और किसी तरीके की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नज़र नहीं आ रही है। निप्पल के ऊपर आसपास के एरिया में ध्यान से दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही ब्रेस्ट पर ध्यान दे रहे हो और एक ब्रेस्ट को आपने मिस कर दिया हो। तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको कई प्रकार के एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लग सकता है। दूसरा, आप हाथ सीधे ऊपर करके फिर एग्जामिन करिए कि उसके स्किन के अंदर किसी तरीके का कोई खिंचाव या कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई ऐसी संरचना, ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो नॉर्मल नहीं हो। तीसरा, आप दोनों हाथ कमर पर लगाकर थोड़ा चेस्ट को आगे निकालकर फिर एग्जामिन करिए कि कहीं कोई ब्रेस्ट के संरचना में, स्ट्रक्चर में और किसी प्रकार का कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया कि ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन देखने से, यानी कि आपको देखने में दोनों ब्रेस्ट कैसे लग रहे हैं नॉर्मल या एबनॉर्मल के बारे में। और जब आप रेगुलरली हर बार चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछली बार ऐसा नहीं था जो इस बार ऐसा दिखाई दे रहा, तो यानी कि समथिंग इज़ एबनॉर्मल। और जब भी आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होता है। जब आपका ये सब नॉर्मल आता है कि देखने में आपको ब्रेस्ट नॉर्मल लग रहे हैं, तो आप उनको 3 फिंगर से पालपेट करके देखिए। 3 फिंगर से आप इस तरीके से नॉर्मली आप पालपेट करके देखेंगे, यानी फील करेंगे, तो आपको उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गांठ होगी, हार्डनेस या कोई दर्द, किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल कोई चीज़ फील होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको तीनों फिंगर से सेंटर से, यानी कि निप्पल के पास के एरिया से शुरू करना है और इस तरीके से सर्कल में घूमते हुए पूरे ब्रेस्ट को कवर करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर किया, एक बार इधर किया, एक बार इधर किया, तो इस तरीके से आप कई चीज़ें मिस कर देंगे। लेकिन दोनों फिंगर से अगर आप इस तरीके से पालपेट करते हुए बराबर 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 पूरा सर्कल घुमाएंगे तो डेफिनेटली आप कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है आपको पहले खड़े होकर करना है, फिर आपको लेट कर भी करना है। दोनों स्थितियों में आपको अलग अलग चीज़ फील हो सकती है, क्योंकि खड़े होने पर पाल्पेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता। जब आप लेट जाते हैं और फिर दोनों हाथों से तीन फिंगर से आप ब्रेस्ट को फील करेंगे, यानी थोड़ा दबाकर देखेंगे जेंटली, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गांठ या कोई मवाद या और कोई दर्द या किसी प्रकार की चुभन या और कोई किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी तो फील नहीं हो रही है। इस प्रकार से 3 बार आप कर पाएंगे कि एक बार तो आपने खड़े होकर किया है, फिर आपने लेट कर किया है, उसके बाद आप अपना हाथ सर के पीछे ले जाकर फिर एक हाथ से दोबारा एग्जामिन करेंगे। यानी कि जब आपको राइट ब्रेस्ट एग्जामिन करना है तो राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और लेफ्ट ब्रेस्ट को करना तो लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाके फिर आप ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है। ब्रेस्ट के साथ साथ एक्जिला यानी आर्म पिट को भी एग्जामिन करना होता है, क्योंकि कई बार उसमें लिम्फ नोड्स होती हैं जो बढ़ जाती हैं, उनमें भी गिठान पड़ जाती है, वो भी एक कैंसर का सूचक हो सकती हैं, क्योंकि कई बार कैंसर लिम्फ नोड से ही फैलता है, तो उनको भी पालपेट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पालपेशन के साथ ही आप एरियोला यानी निप्पल के आसपास के एरिया को भी देखेंगी और निप्पल को प्रेस कर देखेंगे कि निप्पल के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज, यानी कोई मिल्क आ सकता है, पस आ सकता है या ब्लड आ सकता है, तो किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा हो। यदि किसी प्रकार का आपको लगता है कि डिस्चार्ज आ रहा है या दबाने पर दर्द हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो ये एबनॉर्मल हो सकता है और डॉक्टर से इसके लिए डिस्कस करना चाहिए।
तो जब आप रेगुलरली इस प्रकार का चेकअप करती है तो जनरली तो हम लोग रोज़ नहाते हैं तो हम लोग हाथ लगा कर देख सकते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी नहीं फील हो रही है, लेकिन फिर भी एक रूटीन बना लीजिए कि हर महीने की पहली तारीख को आपको इस तरीके से प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि 5 से 10 मिनट लगेंगे इस एग्जामिनेशन को करने में, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत शुरुआती अवस्था में कैंसर का पता लगा लें और आप अपनी जान की रक्षा कर लें। तो ये थे कुछ टिप्स जिनके थ्रू आप ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही शुरुआती अवस्था में पता कर सकती हैं और एबनॉर्मलिटी फील होने पर डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा और आपको लगता है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा का लिंक है, उसे भी आप ज़रूर फॉलो करिए। बहुत सारी जानकारी आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।